मंगेश के गांव में हमने इतनी परेशानियां झेली हैं कि अब तक आपको भी हम पर तरस आता होगा। बस बस तो रुक गई साहब, पर बुरा वक्त अपनी पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। ये देखो, ये गधे का एक्सीडेंट, मुर्गे की आवाज, बंबई जाने का रास्ता बंद। जी हाँ, ठीक पहचाना, यहाँ डाक बंगले में आके भी हम लोग शांति से नहीं बैठे। यहाँ जो चीज जैसे दिखती है वैसे है नहीं, यहाँ तो हैरी और पैरी की आत्मा आती है। अरे हम लोग भी नहीं मानते थे, हम लोग तो खुश थे, सब कुछ भूल कर मजे ले रहे थे, पर ये मंगेश अंग्रेजी बोलेगा तो किसी को भी मानना पड़ेगा ये मंगेश नहीं है, लॉर्ड हैरी है। अरे अच्छा हुआ अंकल हेनरी ने मंत्र मार के दोनों भूतों को भगा दिया, अब तो जैसे ही पुल खुलेगा हम लोग सीधे बम्बई जाएंगे। बस राइटिंग नहीं तेरी तो फाइटिंग शुरू हो गई तेरी। ये क्या नई बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, तू देखेगा ना तो तू भी बीमार हो जाएगा। क्या बोलते हैं वो देख, come on, follow me. Hi. Hi. May I join you? Why not? आप रोज एक्सरसाइज करते हैं? एक्चुअली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है सेहत के लिए, क्या आदमी टिप टॉप रहता है। वैसे आपको एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप टिप टॉप हैं। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं? Aren't you health conscious? No, I'm a doctor. Actually, मुझे रोज सुबह जल्दी उठने की आदत है। अच्छा, मैं भी रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। और मैं एक्सरसाइज के पहले रोज मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाती हूँ। आप नहीं जाते मॉर्निंग वॉक के लिए? जाता हूँ ना, रोज शाम को मॉर्निंग वॉक करता हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं, थोड़ा हिप्नोटाइज हो गया ये। क्या हो बे? अबे चल। ये अंकल क्या हुआ क्या? अरे हमारा कान में प्रॉब्लम है मंगेश। ओह देखो जरा। हेलो हेलो हेलो, कान टेस्टिंग, कान टेस्टिंग, 1 2 3 4। आई क्या कर रहा है तू? अंकल सुनाई दे रहा है ना? अरे हमको अच्छा तरह सुनाई देता है, पर हमको एक्स्ट्रा आवाज आता है। अखा रात हम नहीं सोया, आवाज आता है हमारा कान में। तुमने रात को सपना देखा होगा अंकल। नहीं हम सपना नहीं देखा। देखो क्या हम सपना देख रहे हैं क्या? हम सोया है क्या? हाँ देखो ये अखर रात हमारा कान में बचाओ 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 ऐसा आवाज आता था। हे अंकल, हाँ ये कान का प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये बोतल का प्रॉब्लम है तुम्हारा। हाँ ओ बचाओ बचाओ। निर्मल सिर्फ मेरा है, वो कितना भी चाहे तुम्हारे करीब आने के, लेकिन तुम अपना मन मजबूत रखना। पर मुझे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तुम अपनी आंखें बंद करो और जैसे ही अपनी लंबी सांस छोड़ो 10 बार बोलो, निर्मल सपना का है, निर्मल सपना का है, निर्मल सपना का है, निर्मल सपना का है। पर मैं ऐसा क्यों बोलूं? मैं ये जानती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाओ और सुनो मैं बोलती हूँ, ठीक है? अब अपनी आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो। अब मैं बोलती हूँ, रेडी? ओ बचाओ। मुझे सुनाई दे रहा है।
अपने मन के अंदर से नहीं, बाहर से कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। हाउ एक्साइटिंग। मैं यहाँ से जा रहा था, आवाज आई, रुक गया। आवाज कहाँ से आ रही थी? अंदर से, अंदर कोई चिल्ला रहा था। क्या बात कर रहा हूँ? क्या बात कर रहे हो? दरवाजे पे इतना बड़ा ताला है, अंदर कौन हो सकता है? मैंने अपने कानों से सुना है, कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक टेबल और एक कुर्सी, और कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है। इस पागल को हम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं, ऐसे सिचुएशन में फिल्मों में ऐसे ही बोलते हैं। अबे साले, इस हाफ मेड को ऊपर चढ़ाते हैं, ये तो कुछ दिखाई नहीं देगा। चलो यहाँ से, चल। मारा। धीरे धीरे बोल रहे हैं। चुप कर, खाली पीड़ी भंकर से एक्सरसाइज करता है और अभी रोता है। फिर हम ठीक करेगा। ओह, आप लोग हैं। क्या एक्सरसाइज आपने सिखाई है मुझे। वाओ, आप कटन अंकल, आप कटन। क्या एक्सरसाइज है। आप लोग चिल्ला रहे हैं, मैं सोची बाहर से आवाज आ रही है। क्या, तो तुमने भी सुना? हम भी वो आवाज सुना। तुमको मालूम है सारा रात वो आवाज हमको आता था। फिर हम बताया था किधर से आवाज आ रही है। आओ, देखो इधर से आता है आवाज। अभी ध्यान से सुनो तो, लिसन केयरफुली, है ना? सुना? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। देखो ध्यान से, ध्यान से, लिसन केयरफुली, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? अंदर अंदर क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है अंदर एक मोटा सा आदमी है। एक मोटा सा आदमी है? आदमी है, आदमी। वे आदमी क्या कर रहा है? आदमी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उसने अपने आप को कुर्सी से बांध लिया है। अपने आप को बांध लिया? बांध लिया है, बांध लिया है। अरे लेकिन कर क्या रहा है? लेकिन कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, वो मर गया है, लेकिन उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। उसे मर गया नहीं, सो गया बोलते हैं। ये तो किसी काम का भी नहीं है, तू उधर ही रहे। ते उस चौकीदार से बात करते। आओ, उतारो। पकड़, रवि पकड़ उसको। छोड़ दे। अंदर अंदर कौन है? मुझे मालूम नहीं है। रूम का चाबी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। अरे वो अंदर से आदमी कब से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? हिंदुस्तान में इतने लोग बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं, किस किस की सुनूं? अरे तुम भी कुछ मत सुनो, तुम आग से मत खेलो भाई, तुम्हारी जान जा सकती है, मेरी जान जा सकती है, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। बबम बम बबम बम। मुझे उतारो। निर्मल मेरा है, निर्मल मेरा है, निर्मल मेरा है, निर्मल मेरा है, निर्मल मेरा है। ओ भाई कोई बचा लो, कोई। ओ सपना जी बचा लो मेरे को प्लीज। कल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे निर्मल से बात करने दो। ओ भाई निर्मल से तो जिंदगी पड़ी है बात करने को। आप पहले मेरे को बचाओ, नहीं तो वो मुस्टंडा जो है वो मेरा कर देगा। कल अरे तो दल है, दल। अरे दल यहाँ डाक बंगले में ताला बंद करके अंदर क्या कर रहा है? वो सो रहा है, सो रहा है। दल नहीं है यार, दल नहीं है, दल जैसा कोई और है। अरे दुनिया में और भी दल होते हैं, जनता दल, सामना दल, लोक दल। दल दल दल। ओ भाई कौन पुकार रहा है मुझे भाई? दल ए दल। हां जी। ओ नमस्कार भाई साहब। ओ भाई साहब आप लोग, गुड मॉर्निंग। ओ भाई आप लोगों को भी यहाँ किसी ने बंद कर रखा है क्या? अरे दल तू अंदर क्या कर रहा है? हां जी। ओ भाई साहब बंदा अंदर बैठ के इस हालत में क्या कर सकता है? मेरे को बांध रखा है भाई साहब,
ना तो मैं उठ सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ, बस खड़ा खड़ा चिल्लाता रहता हूँ, ओ बचाओ बचाओ। भाई साहब मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया है, 25 किलो वजन घटा दिया है इन लोगों ने मेरा। अच्छा लगता तो नहीं है। ओ भाई इसकी तरफ ध्यान मत दो, ये तो मेरी बॉडी मार मार के इन लोगों ने सुझा दी है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने साले जरूर कुछ लफड़ा किया होगा। हाँ जरूर कुछ लफड़ा किया होगा। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? आपने किया क्या? ओ भाई साहब आपको क्या बताऊं मैंने क्या किया है। ओ भाई आज भी वो दिन याद करता हूँ तो। ओ भाई भाई साहब आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो और मेरे आसपास चक्कर काट रहे हो हैं? अबे मोटे ज्यादा बकबक मत करना, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। भाई साहब वो तो आपके चेहरे पर से टपक रहा है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आपकी प्रॉब्लम है तो है क्या? प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। जब बंबई में आदमी घर से बाहर निकलता है तो अपनी बीबी बच्चों से कहकर निकलता है कि अगर बाबिया के हाथ से मैं बच गया तो घर लौटूंगा। देख मेरे साथ ज्यादा शनपति मत करना, मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ, 24 मर्डर कर चुका हूँ आज तक। ओ भाई साहब तो एक बात बताओ मेरे को, मार के क्या सिल्वर जुबली मनाने का आइडिया है? भाई कमाल का बंदा है ये तो। अबे बच्चू अब मुझे बता 17 शर्ली रोड किसका है, तुम्हारा है ना? ओ नहीं भाई हमारे बाप का है। तुम्हारा बाप का? बाप ऊपर है। इसका मतलब है 17 शर्ली रोड के मालिक तुम हो और तुम उसे बेचना चाहते हो। अबे बच्चू देख मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन समझे। देख मुझे 50 लाख रुपया चाहिए। कितना? 50 लाख। ओ भाई कोई समझाओ इस सूद खोपड़ी को। भाई साहब आपने देखा उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। ओ प्लीज मेरे को बचा लो, ओ मेरे को मालूम है भगवान ने आपको डायरेक्ट भेजा है यहाँ मेरे को बचाने के लिए, है भेजा कि नहीं भेजा है भाई साहब? वो कहाँ गया? वो भाई साहब फोन करने गया है, वो कह रहा था उसके मोबाइल के सेल खत्म हो गए हैं तो पीसीओ जा रहा है फोन करने। ओ भाई साहब जब तक वो आया प्लीज मेरे को खोल दो प्लीज। तू डर मत दल, तू डर मत, चलो लॉक फोड़ते हैं चलो। अरे तेरा दिमाग है कि पायजामा है, क्या कर रहा है तू मंगेश इधर? चल यार चल तू जल्दी, वो लॉक फोड़ो। तू यार जल्दी जल्दी एक्साइट हो जाता है यार, दिमाग से काम लेना यार। क्या मतलब क्या है तेरा? आज यहाँ हम उसे बचाएंगे, कल बंबई जाकर वो हमसे दादागिरी करना शुरू कर देगा। अरे यहाँ चूहे की तरह गिड़गिड़ा रहा है, वो बंबई में जाके देख शेर की तरह घूमेगा। अरे वो हमेशा किरायेदारों को तंग करता रहता है, एक बार तो उसने मेरा मेडिकल किट बाहर फेंक दिया। अरे ये तो ठीक है, मैं नहाने बाथरूम में जाता हूँ सोप लगाता हूँ और ये हरामी बाहर से पानी बंद कर देता है यार, उसकी वजह से मैंने नहाना छोड़ दिया है। जब भी किसी लड़की को मेरे कमरे में जाते देखता है फौरन सपना को बता देता है यार। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरी हालत क्या हो गई है। अरे यार रात को वो फ्यूज उड़ा के बत्ती गुल कर देता है, फिर सारी रात कवाली। वो हाफमैन का क्या? नमस्कार भाई साहब। कैसे हैं आप? कमाल का बंदा है भी, ऐसे में कोई हाल चाल पूछता है। ओए क्या कर रहा है? आपको गुस्सा तो नहीं आया? नहीं जी नहीं, बुरा क्यों मानेंगे, ऐसी हालत में कोई बंदा बुरा मान सकता है? तो अब ये मारूं? ये अच्छा रहेगा। बचाओ, ओ ये पजामा कहाँ से लेके आए हो? नहीं ओ भाई साहब कहाँ चले गए आप? क्या कर रहे बेटे? अच्छा यूं ही बंदे रहो। टेनेंट्स की मीटिंग हो रही है, डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है, अगर फैसला तुम्हारे हक में हुआ तब तुम्हें खोल लेंगे समझे। चल बेटे। आप नहीं समझ रहे अंकल, आपके ये लोग वो मोटे को छोड़ रहे हैं। आपको पता नहीं है वो बाबिया जो गुंडा है ना वो बहुत खतरनाक है, वो आएगा और उसको दिखेगा कि वो मोटा वहां पे नहीं है तो मुझे जान से मारेगा। आप एक काम करो, ये बोतल इधर दे दो, ये बोतल से मेरा सर फोड़ दो और दो चार और ऐसे निशान बनाओ। हमारा दारू वेश करेगा और ये गांव का प्योर जामुन है। हाउ ब्रेव, हाउ एक्साइटिंग, बिल्कुल कमर्शियल फिल्म की तरह। आओ मैं तुम्हारा मेकअप करती हूं। तुम्हारी माथे में से तो खून निकल रहा है, मैं दवा लेके आती हूं। क्यों मरवाने पे तुली हो सिस्टर,
आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप ही मुझे बांध दीजिए ना। Why not? Why not? बम बम बम, भगवान तुम्हें सुखी रखे, खुश रखे, जो मांगो तुम्हें मिले। निर्मल को छोड़ के, क्योंकि निर्मल सिर्फ मेरा है। हमें तंग तो नहीं करेगा? ओ भाई साहब, मैं तो खुद ही तंग हूँ। बम्बई आने के बाद दादागिरी तो नहीं करेगा? ओहो नहीं भाई साहब, मैं आपका गुलाम बन के रहूंगा। हमें भगाने की कोशिश तो नहीं करेगा? कैसी बातें कर रहे हो आप, मेरे को खोलो, मैं बम्बई खुद छोड़ के भाग जाऊंगा भाई साहब कसम से। 17 शिरली रोड किसका है? यह भी कोई पूछने की बात है? आपके बाप का है भाई साहब। हेलो, हम लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं? पता नहीं, ऐसी सिचुएशन में फिल्मों में ऐसे ही चलते हैं। ये वापस आने को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं ब्यूटी द रिट्रीट। तुम सब लोग उस गुंडे से डर गए ना? क्या डर गए? उसके हाथ में था ना वो। तुम लोग बिल्कुल डरपोक हो। अरे तुम होती तो क्या कर रही थी? कम से कम हम वहां से भागते तो नहीं। रहने दो, कहना आसान है। तुम लोग आपस में लड़ते रहोगे क्या? उधर दल मुसीबत में है। अब 12 बजने के लिए सिर्फ 2 घंटा बाकी है। अगर 12 बजे तक तुम्हारा भाई 50 लाख लेकर मेरी बंबई के अड्डे पे नहीं पहुंचाया, हाँ, तो ये तुम्हारी बदन के इतने टुकड़े टुकड़े हो गए जितने तुम्हारे सर के, नहीं, जितने मेरे सर के बाल है। ओ भाई, इसने पटाखे पे घड़ी क्यों बांध रखी है? ये खाना किसके लिए ले जा रहे हैं? उसी गुंडे के लिए बाबिया। तू एक में इधर ही ठहरा। मंगेश, हाँ? मेरे पास एक आइडिया है। चौकीदार बाबिया के लिए खाना लेके जा रहा है, मेरे पास कुछ नींद की गोलियां पड़ी हुई हैं, उसे खाने में मिला देते हैं। और वो खाना दल ने खाया तो? ओ भाई साहब, आप मेरी गल सुनो, आपको कन्फ्यूजन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जी, 17 शर्ली रोड हमारा नहीं है, हमारे बाप का है, जो कि हमारा नहीं था, तभी तो मरते मरते हमें देने की बजाय वो 17 शर्ली रोड हमारे किराएदारों को दे गया है। टिक टॉक, टिक टॉक। ओ भाई साहब, टिक टॉक ही करते रहोगे, कुछ क्लीन भी कर लो। ओ भाई साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। एक काम करते हैं, देखो ऐसा करते हैं कि आप हमारे किराएदारों को मार दो, हैं जी, तो ये 17 शर्ली रोड हमारा हो जाएगा। हम उसे बेच देंगे 1.5 करोड़ में। 75 लाख आप रख लेना, 75 लाख हम रख लेंगे, करेक्ट है? उई, ओ मैंने ज्यादा कीमत बोल दी क्या? मैं छोड़ रहा हूं तुम्हें, उठने के पहले तुम यहां से भाग जाओ। ओ भाई साहब उठो, ओ भाई साहब उठो ना। ये क्या कर रहा है, उसे क्यों उठा रहा है? ओ भाई साहब उठो, ये लोग आ गए, गोली मार दो इन्हें। साले, हम अपनी जान खतरे में डालकर तेरी जान बचा रहे, तू साले हमको ही मरवा रहा है। अरे ये मरवाएगा ही मरवाएगा, मैंने तुमसे कहा था कि इसे मत छोड़ो। अरे ये बड़ा कुत्ता जलील किस्म का आदमी है। ये तो खतरनाक आदमी है, इसे यही वापस बांधो, फोड़ डालो इसको। आप फोड़ डाल इसको। ओ भाई साहब, हम खतरनाक बंदे हैं तो आप लोगों को हम क्या कहें? ओ मंगेश प्राजी, मेरी बात सुनो, ये जो बंदा है ना, ये राइटर की औलाद, ये मेरे पास आया उस दिन कमरे में जब मैं आप लोगों को निकलवाने आया था ऑर्डर लेके कोर्ट का। मेरे को कहता है कि ये सफदर जो डॉक्टर है, इसको निकाल दो, मेरे को रख लो, ये डॉक्टर तो है बेकार की औलाद। तो भी ये क्या कह रहा है?
क्या तू ऐसा बोला? नहीं मैंने तो ऐसा बोला कि तू तो हॉस्टल में भी रह सकते, ऐसा बोला मैंने। वहाँ भी हरिश्चंद्र की अला ठीक बोल रहा है तू। और भाई साहब इनसे मिलिए, ये है निर्मल भाई साहब, फोटो खींचते हैं, मैं कहता हूँ ये बंदे खींचते हैं। उस दिन मंगेश पर आज ही मेरे पास आके कहता है कि शर्ली रोड से सबसे पहले इस ऑटो ड्राइवर को निकाल लो। क्या है निर्मल, तू मुझे निकालने की बात कर रहा था? मंगेश मेरा तो कहने का मतलब, फूंक डालूंगा चुपट मैं। हाँ जी बूथा तोड़ दो इसका मार के। और आप भाई साहब अब इनकी बात सुनो, इनकी कारस्तानी, ये शादीशुदा औरतों के पीछे पड़ा रहता है। और उस दिन मेरे से कहता है कि भाई निकालना है तो राइटर को निकाल के फेंक दो बाहर, फुटपाथ पर रहेगा, एक दो अच्छी स्क्रिप्ट लिख देगा। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी दोस्त। अरे अबे राइटर, तू इसका प्लॉट नहीं समझ रहा है। अरे ये कमीना, ये हमें लड़वाने की कोशिश कर रहा है, शेली रोड की यूनिटी तोड़ रहा है। अरे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यार। बंबई का रास्ता ठीक हो गया है, ब्रिज खुल गया है, कल सुबह हम बंबई जाएंगे। मारू मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। इस काली आंख का क्या करेंगे? ओ भाई साहब ऐसे क्यों देख रहे हो? ओ भाई ये तो मजाक था भाई। देखो आप भी कमीने, हम भी कमीने, तो कमीनों से कमीने मिले कर लम।